हे गाइस, तो अभी समर्स थोड़ी सी और बाकी हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। तो हमने सोचा कि इसका फ़ायदा उठा लेते हैं और चलते हैं बाहर कहीं। सो आज हम जा रहे हैं बर्लिंगटन, वो भी एक सिटी है और हमने कभी पहले नहीं देखी है, हम कभी नहीं गए हैं बर्लिंगटन। सो हमने सोचा कि वो एक्सपीरियंस करते हैं और आपको भी लेके चलते हैं। रीज़न ये है कि जब भी नाम आता है ना कि व्हाट आर दी बेस्ट सिटीज़ टू लिव इन ओंटारियो, लाइक ओंटारियो प्रोविंस, तो बर्लिंगटन का नाम हमेशा टॉप पे ज़रूर आता है। सो लेट्स सी, हम भी एक्सप्लोर करते हैं और आपको भी लेके चलते हैं। सो लेट्स गो। ओके गाइस, सो अब हम आ गए हैं यूनियन स्टेशन और यहाँ से हम लेंगे गो ट्रेन। सो गो ट्रेन जो होती है वो एक तरीके से इंटरसिटी ट्रेन्स हैं जो ओंटारियो में चलती हैं। तो हम बोलेंगे, ये हमारा फर्स्ट टाइम नहीं होगा यहाँ पे। हम नायग्रा फॉल्स भी गए थे और हमने यूनियन स्टेशन से ही गो ट्रेन ली थी। इनफैक्ट वो हमने वो एक वीडियो में भी कैप्चर किया था और वो हमारे चैनल की फर्स्ट वीडियो थी। राइट, नायग्रा फॉल्स वाली वीडियो हमारे चैनल की सबसे पहली वीडियो थी। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ वो भी चेकआउट कर लेना, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। सो गाइस, बर्लिंगटन जो है ना वो टोरंटो से अराउंड 50 किलोमीटर्स दूर है। तो हम जा रहे हैं गो ट्रेन से एग्जैक्टली एक घंटे का रास्ता है। और अगर आप बाय रोड भी जाओगे ड्राइव करके तो भी डाउनटाउन से अराउंड एक सवा घंटा ही लगता है। और आप मानोगे नहीं, 50 साल पहले तक बर्लिंगटन को एक सिटी कंसिडर भी नहीं किया जाता था। इट वॉज जस्ट कॉल्ड अ विलेज, या विलेज कह लो या टाउन कह लो, मतलब वो कंसिडर करते थे, सिटी तो माना भी नहीं जाता था। अराउंड आई गेस 1974 जो हमने पढ़ा था, 1974 में इसको एक्चुअली सिटी का मतलब दर्जा दिया गया था। एग्जैक्टली और पहले जो इसकी इकोनॉमी थी वो ज़्यादा वाटर बॉर्न कॉमर्स जैसे होता है ना, मतलब ships के थ्रू जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा था। लेकिन फिर धीरे धीरे ट्रांजिशन इंटू एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग, और इसलिए अब इस समय बर्लिंगटन को कहा जाता है गार्डन सिटी ऑफ सदर्न ओंटारियो, क्योंकि यहाँ पे कनाडा का सबसे लार्जेस्ट रॉयल बोटैनिकल गार्डन भी है। और अब जो इकोनॉमी है वो और थोड़ी ट्रांजिशन हो रही है टूवर्ड्स सर्विस इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग। सो अब हाँ, यहाँ पे मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी अब ज़्यादा आ रही हैं। सो इट्स डेफिनेटली लाइक वन ऑफ दी गुड सिटीज़ इन ओंटारियो। इनफैक्ट अगर आप गूगल या यूट्यूब पर देखोगे ना बेस्ट सिटीज़ टू लिव इन ओंटारियो, तो बर्लिंगटन का नाम ज़्यादातर लिस्ट में आपको ज़रूर दिखेगा। सो येस, इट्स डेफिनेटली अ गुड सिटी ऑन पेपर्स, बट अब रियल लाइफ में कैसी है तो वो आज जाते हैं और देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। वैसे गो ट्रेन में ट्रैवल करने का मज़ा तो बहुत है। ट्रेन इतनी कंफर्टेबल है, इतनी स्मूथ चलती है, प्लस मल्टी लेवल है, तो हम तो हमेशा ऊपर आके बैठते हैं। जब नायग्रा गए थे तब भी, और आज भी हम ऊपर सेकेंड लेवल पर आके बैठे हुए हैं और नज़ारे इन्जॉय कर रहे हैं। चाहे आपके पास कार हो, फिर भी गो ट्रेन में एक ना एक बार ट्रैवल करना तो बनता है। सो गाइस, हम बर्लिंगटन पहुंच गए हैं और हमने सोचा कि पहला स्टॉप जो है वो रॉयल बोटैनिकल गार्डन्स ही रखते हैं, और हम वहां पर भी पहुंच गए हैं। मतलब ये सारा जो पार्क देख रहे हो ना, सारी ग्रीनरी उधर, ये सारा सब कुछ रॉयल बोटैनिकल गार्डन का ही पार्ट है। लेकिन ये एंट्रेंस नहीं है और हम गलत बस स्टॉप पे उतर गए हैं। उस अब गार्डन के अंदर ही कई सारे बस स्टॉप, हाँ मतलब ये इतना बड़ा गार्डन है कि इसके अंदर ही इतने सारे बस स्टॉप्स हैं कि हम कंफ्यूज हो गए। तो हम किसी एक पहले वाले में उतर गए हैं और अब हमें अराउंड 9 से 10 मिनट की वॉक करके जाना पड़ेगा। जो रॉयल बोटानिकल गार्डन्स हैं वो बहुत सारे हिस्सों में डिवाइडेड हैं, एंड वन ऑफ देम इज द रॉक गार्डन्स। तो चलो चलते हैं और देखते हैं।
आपने कभी रॉयल बोटैनिकल गार्डन आना हो तो हमारी वाली गलती मत करना, हम थोड़ा दोपहर में आए हैं, इट्स ऑलरेडी 2 PM। तो यहाँ पे क्या है कि गार्डन्स का जनरली क्लोजिंग टाइम है ना वो 5 बजे है, ठीक है, और 5 बजे तो है लेकिन एंट्री का जो टाइम है ना, लास्ट एंट्री का टाइम किसी भी गार्डन का वो 4 बजे है। सो मतलब अब हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम सारा का सारा रॉयल बोटैनिकल गार्डन कवर कर पाएँ। सो बेसिकली हम वी आर ट्राइंग कि हम एक रॉक गार्डन कवर कर लेते हैं और जो इनका एक मेन रॉयल बोटैनिकल गार्डन सेंटर है वहाँ पे भी जाएंगे, वो भी कवर कर लेंगे। बट हाँ, फॉर यू, आप अगर आ रहे हो तो प्लीज़ थोड़ा टाइम पे आना और थोड़ा मॉर्निंग के टाइम पे आना। बेरीज आपने रेड कलर की देखी होगी लेकिन कभी वाइट कलर की देखी है? सो अगर आपने हमारी अल्बर्टा ट्रिप सीरीज़ देखी है तो उसमें हमने एक वन ऑफ द वीडियोस में हमने आपको ये बताया था कि कैलगरी जो है ना, इट इज़ अ ट्विन सिटी ऑफ जयपुर। सिमिलरली अगर आप ये स्ट्रक्चर देखो ना यहाँ पे, सो दिस हैज़ बीन गिफ्टेड फ्रॉम वन ऑफ द सिटीज़ इन जापान, सिटी का नाम है फुकुयामा। सो उन्होंने ये स्ट्रक्चर गिफ्ट किया है बिकॉज दैट इज़ अ ट्विन सिटी ऑफ हैमिल्टन कैनेडा, और हैमिल्टन मतलब बर्लिंगटन जहाँ पे हम आए हैं, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ हैमिल्टन। सो दैट इज़ अ ट्विन सिटी ऑफ अ सिटी इन जापान, फुकुयामा। अभी तक जो हमने कवर किया है वो सिर्फ रॉक गार्डन है जो कि पूरे रॉयल बोटैनिकल गार्डन्स का शायद 10% भी नहीं होगा। और अब हम हेनरी पार्क की तरफ जा रहे हैं और जैसा कि आप देख रहे हो ये सारा का सारा सिर्फ रॉयल बोटैनिकल गार्डन ही है। सो ऑब्वियस है कि ये एक दिन के अंदर कवर नहीं हो सकता, चाहे आप कितनी ही सुबह क्यों ना आ जाओ। और हाँ, ये जगह सिर्फ समर्स में ही इंजॉय करने की नहीं है, इनफैक्ट विंटर्स में क्रिसमस के दौरान शाम को यहाँ पे काफ़ी अच्छा लाइट शो होता है। सो इनफैक्ट हम भी प्लान कर रहे हैं कि शायद विंटर्स के टाइम पर भी यहाँ पे आएँ। सो यस, ये जगह आप विंटर्स के टाइम पर भी इंजॉय कर सकते हो। सो अभी 3 बज गए हैं, वैसे तो लंच का टाइम है बट हमने सोचा हुआ है कि हम डाउनटाउन में जाएंगे, बर्लिंगटन के डाउनटाउन में, वहाँ पे खाएंगे। बट अभी क्योंकि इतनी भूख लग रही है सो थोड़ी सी तड़प बुझाने के लिए हमने इसलिए यहाँ पे ना एक छोटा सा कैफ़े बना हुआ है, वहाँ से हमने थोड़ी कॉफ़ी और थोड़ी सी ये मफिन्स वगैरह ले लिया ताकि थोड़ी तड़प बुझ जाए, ताकि हम थोड़ा और घूमने के काबिल हो जाएं। कॉफ़ी पी के और मफिन खा के थोड़ी राहत मिली, अब हम कुछ चलने लायक हो गए हैं सीरियसली। और गाइस मतलब कई लोगों को ना ये लगता है कि यार ये घास फूस क्या देखने जाना है, बट टू बी ऑनेस्ट मतलब जिसको ग्रीनरी पसंद है, जिसको नेचर पसंद है, जिसको गार्डनिंग करना पसंद है, उन लोगों के लिए ये जगह जो है ना जन्नत है। एंड सी, एंड एज अ यूट्यूबर हमारा काम ये है कि हम जहाँ पर भी जा रहे हैं वो हम एक्सप्लोर करें और आप लोगों को दिखाएं, बाकी उसके आगे आपकी इच्छा है कि आपको जो अच्छा लगे वो आप एक्सप्लोर करो, जो ना लगे वो मत एक्सप्लोर करो। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, इस पूरे गार्डन में सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि आप आके घूम फिर के चले जाओ, यहाँ पर इवन
कैंपिंग के लिए भी आप इनरोल कर सकते हो. बच्चों के लिए कैंपिंग होती है, एजुकेशनल एजुकेशनल प्रोग्राम्स भी होते हैं. एंड अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे आप एक्चुअली अपनी वेडिंग फोटोग्राफी या फिर बर्थडेज या फैमिली पोर्ट्रेट उस सब के लिए भी बुकिंग कर सकते हो और बहुत ही अमेजिंग फोटोज आती हैं इस इतने नेचर वाले एरिया में. मतलब यहाँ पे वेडिंग वेन्यूज भी हैं और इवेंट फोटोग्राफी भी होती है. इनफैक्ट अभी एक दो फोटोग्राफी इवेंट्स तो हम खुद देख चुके हैं. कोई कई कपल्स फोटोग्राफी करा रहे हैं, कोई कहीं पर वेडिंग वाली फोटोग्राफी हो रही है, तो काफ़ी अमेजिंग है. सो गाइस, अब हम बर्लिंगटन के डाउनटाउन आ गए हैं. सो अभी सोच रहे हैं थोड़ा सा पहले ईटिंग आउटलेट्स थोड़े एक्सप्लोर कर लेते हैं. भूख बहुत तेज़ लग रही है और साथ ही साथ डाउनटाउन भी एक्सप्लोर हो ही जाएगा, आपको भी दिखा देंगे. एंड देन प्रोबेबली विल हेड टूवर्ड्स द लेक शोर. लेक शोर जो है वो उस तरफ है और कहा जाता है कि मतलब ऑन्टेरियो का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल लेक शोर्स वाला जो एरिया है वो बर्लिंगटन का ही है. सो डेफिनेटली हम वहाँ जाएंगे और वो भी एक्सप्लोर करेंगे. बट फॉर नाउ भूख लग रही है तो पहले कुछ खा पी लेते हैं. सो हमारा फर्स्ट स्टॉप है केलीज बेक शॉप. ये यहाँ की काफ़ी फेमस बेकरी है एंड हमारे यहाँ प्लान है कि कुछ कपकेक्स ट्राई करते हैं. डेफिनेटली वर्थ है, ज़बरदस्त है. और जैसा मैंने दिखाया था ना, इट्स वर्ल्ड में नंबर 3 स्पॉट पे है ये फॉर दी मतलब स्वीट शॉप्स, जैसे बेकरी शॉप्स में. एंड आई थिंक डेफिनेटली इट्स वर्थ इट. बर्लिंगटन आ रहे हो तो केलीज बेक शॉप में कपकेक्स या कुछ भी ज़रूर ट्राई करना. कहने को आप ऑन्टेरियो में ही हो बट स्टिल हर सिटी की ना एक फील अलग होती है. बर्लिंगटन की फील इज़ डेफिनेटली अ लिटिल डिफरेंट देन टोरंटो. सो आवर नेक्स्ट स्टॉप इज दिस एक्सप्रेस इटालियन ईटरी, क्योंकि पास्ता खाने का मन कर रहा है एंड मुझे स्पेशली रावियोली पसंद है. सो लेट्स सी कि वो मिलता है यहाँ कि नहीं. अनफॉर्चुनेटली रावियोली तो नहीं मिला, लेकिन दिस ऑल्सो लुक्स वेरी गुड. चलो भाई, पेट पूजा हो गई है, अब चलते हैं लेक शोर की तरफ वहाँ पे और वो भी एक्सप्लोर करते हैं. ओके गाइस, सो इस लेक शोर के खूबसूरत नज़ारे के साथ अपनी आज की वीडियो एंड करते हैं. आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, एंड इफ़ सो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन. और हम आपसे मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.